नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर वनडे एग्जाम क्लासेस के यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के दिनांक 15 अप्रैल को लग चुकी है। आप सभी लोगों के एडमिट कार्ड 8 अप्रैल से निकलना चालू हो जाएंगे, तो जितने भी दिन आप शेष बचे हैं आप लगातार प्रैक्टिस सेट हल करिए। मैं भी आपको लगातार प्रैक्टिस सेट हल करा रहा हूँ। कल मैंने आपको सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्नों की सीरीज दी थी सुबह 11 बजे, और शाम को 4 बजे आपको हिंदी का प्रश्न पत्र दिया था। अब जितने भी दिन शेष बचे हैं, जितने आप लोग कहेंगे उतने आपको प्रैक्टिस सेट हल करा दिए जाएंगे। इसके पहले मैंने आपको 2018 का, 2017 का, 2016 के सभी पिछले सालों के पेपर दे चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ऊपर आई बटन मिल जाएगी। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां से आपको मिल जाएगी। और जो मित्र मेरे चैनल के माध्यम से नए आए हो, क्या करें, देखिए वीडियो चल रहा होगा, उसके नीचे अगर आप जाकर के देखेंगे यहाँ पर आपको ये लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, इसको आपको दबा दीजिए, लाल से काला हो जाएगा, और बगल में लगी बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। जैसे ही मैं आपको वीडियो डालूंगा आप लोग बेल आइकन दबाए रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हम आपको एक प्रैक्टिस सेट हल कराने जा रहे हैं। तो आप लोग नोटिफिकेशन बेल जरूर से दबा लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक हो सकेगा। चलिए हम चलते हैं आज के पहले पेपर की ओर। देखिए आज का हमारा पहला पेपर है, इसमें सामान्य ज्ञान की आपको 50 प्रश्नों की सीरीज है। आप लोग इसको लगाइए और आप लोग लास्ट में बताइए कि आप लोग इसमें से कितने सही कर पा रहे हैं। अगर आप 35 से 40 भी सही कर ले जाएंगे इसमें तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। और आप लोग इस प्रकार से आंसर लिखिएगा, पहले का ए लिखना है या फिर पहले का बी लिखना है, पहले का सी, इस प्रकार से लिखिएगा ताकि हमें समझ में आएगा कि आप क्या लिख रहे हैं। आप लोग लास्ट में अपने स्कोर कार्ड अवश्य बताइएगा। मैं आपको 2 से 3 सेकंड का समय दूंगा उत्तर के लिए। तो हमारा देखिए पहला प्रश्न है, भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कहाँ पर है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, हुमायूं का मकबरा, या फिर अकबर का मकबरा, या फिर जहांगीर का मकबरा, या फिर औरंगजेब का मकबरा। चार बाग शैली के द्वारा निर्मित किया गया मकबरा है हमारा। प्रथम मकबरे की बात करेंगे तो हमारा इसका सही ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा। चलिए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए आपको दूसरा और तीसरा दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, ये दूसरा है हमारा, ये तीसरा। यदि आपको ये प्रश्न आ जाता है तो आप लोग तीसरे प्रश्न को पढ़िएगा ध्यान से और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम देख रहे हैं हमारा दूसरा जो है, पित्रादुरा का आरंभ किसने किया था। आपके पास चार ऑप्शन है, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। इसका देखिए सही ऑप्शन है जहांगीर। देखिए नूर जहां के जो आपके पिता थे मिर्जा गियास बेग की याद में इत्माउद्दौला का जो मकबरा होता है उसमें पित्रादुरा नाम के जड़ाऊ काम किया जाता था। उसका निर्माण जो है, आरंभ जो है जहांगीर ने कराया था, अर्थात नूर जहां भी ऑप्शन में होता तो वो भी सही हो जाता। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है। बुझे चूने पर क्लोरीन से, बुझे चूने पर ऑक्सीजन से, बुझे चूने पर कार्बन डाइऑक्साइड से, बुझे चूने पर क्लोरीन से। तो आपके पास देखिए चार ऑप्शन है, आप लोग सोचिए। इसका जो ऑप्शन सही है, प्रथम ऑप्शन सही है, बुझे चूने पर क्लोरीन से। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा बहुत ही बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, भोपाल गैस जो आपकी त्रासदी हुई थी उसमें से कौन सी गैस निकली थी। आपके पास चार ऑप्शन है, सोडियम आइसोसाइनाइट, पोटेशियम आइसोसाइनाइट और एथिल आइसोसाइनाइट है, और मेथिल आइसोसाइनाइट है। आपके पास चार ऑप्शन है, इसका सही है मेथिल आइसोसाइनाइट, ये आपका चौथा ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आज का हमारा, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है। इसका सही ऑप्शन की बात करेंगे तो शिमला, कोलकाता, लखनऊ और बेंगलुरु दिया गया आपके पास ऑप्शन में। इसका सही ऑप्शन है कोलकाता, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान आपका कोलकाता में है। अगला हमारा छठवां प्रश्न है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ पर अधिक वर्षा होती है। आपके पास चार ऑप्शन है, मालवा के पठार में, छोटा नागपुर के पठार में, या पूर्वी पहाड़ियों में, या फिर कोरोमंडल तट में। इसका सही ऑप्शन है कोरोमंडल तट। ये कोरोमंडल तट आपका जो तमिलनाडु का क्षेत्र होता है ना, यहाँ पर जो आती है वर्षा होती है, सिर्फ तमिलनाडु में वर्षा होती है, उसको कोरोमंडल तट कहते हैं, और ये अक्टूबर या नवंबर के महीने में ठंडी में वर्षा होती है। अगला हमारा सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का राडार माना जाता है। आपके पास चार ऑप्शन है, दरियाई घोड़ा, कबूतर, गिद्ध या उल्लू। देखिए इसका जो सही आंसर दिया गया है वो दरियाई घोड़ा दिया गया है। अभी इसका प्रमाण नहीं मिल पाया है कि दरियाई घोड़ा किस प्रकार से प्रकृति का राडार है। आप लोगों को यदि मालूम हो कोई स्पष्ट तर्क के रूप में तो आप लोग बता सकते हैं। इसका सही ऑप्शन जो दिया गया है वो दरियाई घोड़ा दिया गया है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का देखिए हमारा आठवां प्रश्न है, आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य किया करिए और चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। यहाँ पर देखिए लिखा गया कि शिक्षा के 10+2+3 का जो पैटर्न का सुझाव किसने दिया था। आपके पास चार ऑप्शन है, बंबई विश्वविद्यालय ने, मद्रास ने, या फिर कलकत्ता ने, या फिर दिल्ली ने। इसका सही ऑप्शन है कलकत्ता विश्वविद्यालय ने 10+2+3, अर्थात आप पहले आप 10 पास करेंगे, उसके बाद आप 12 पास करेंगे 2 साल का, उसके बाद आप 3 साल का ग्रेजुएशन करेंगे। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, इसको हाई स्कूल कहा जाता है, कुछ लोग इसको मैट्रिक्स कहते हैं, इसको इंटरमीडिएट कहा जाता है, कुछ लोग सीनियर सेकेंडरी कहते हैं, इसको ग्रेजुएशन में अलग अलग आप चीज़ें कहते हैं इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नौवां क्वेश्चन है, तीर्थकर महावीर की माता का नाम क्या था। आपके पास चार ऑप्शन है, यशोदा, त्रिशला, चमेली, या फिर महामाया। इसका सही ऑप्शन है त्रिशला सही है, महावीर की माता का नाम था त्रिशला। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संतुलन कीमत वह कीमत होती है जब
पूर्ति मांग से अधिक हो, पूर्ति मांग से कम हो, मांग बहुत अधिक हो, पूर्ति और मांग बराबर हो। हमारा सही ऑप्शन है पूर्ति और मांग बराबर हो, डी ऑप्शन सही है। पानीपत की तृतीय लड़ाई किस वर्ष हुई थी, हमारा आज का 11वां क्वेश्चन है, 1526 में या 1556 में या फिर 1761 में या फिर 1776 में। इसका सही ऑप्शन सी ऑप्शन है, पानीपत की जो आपकी तृतीय लड़ाई हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। आपको ये जवाब देना है कि इन दोनों की जो लड़ाई हुई थी इनमें जीता कौन था और हारा कौन था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 12 नंबर के, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहां पर हुई थी। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, मैसूर में, कुर्ग में, श्रीरंगपट्टनम में या फिर वांडीवास में। इसका सही ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। अगला हमारा 13वां क्वेश्चन है, आनंद भवन स्थित है कहाँ पर स्थित है, इलाहाबाद में या फिर दिल्ली में या फिर लखनऊ में भी आगरा में। इसका सही ऑप्शन है इलाहाबाद में हमारा आनंद भवन स्थित है। हमारा 14वां प्रश्न है आज का, पारसी धर्मावलंबियों की पूजा स्थल कौन सा है, सीना नाग है कि अग्नि मंदिर है कि विहार है कि मजार है। इसका सही ऑप्शन है अग्नि मंदिर जो है पारसियों का आपका पूजा स्थल है। अगला हमारा 15वां क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन सी थी। उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो हाईकोर्ट आपसे पूछा गया, आपके पास चार ऑप्शन है, अन्ना चंडी, लीला सेठ या फिर फातिमा बीबी या फिर सोरा बजी। आपका सही ऑप्शन है इसमें लीला सेठ। अब आपको ये क्वेश्चन का जवाब देना है कि उच्चतम न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला नियुक्त होने वाली न्यायाधीश कौन सी थी। आपके पास यही चार ऑप्शन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन सी थी। आपके पास यही चार ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए पहले तो उच्च न्यायालय पूछा गया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट का, आप लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा 16वां क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त कर दिया गया था। हमारा इसका सही ऑप्शन की बात करेंगे तो बाबर, शेरशाह, अकबर और जहांगीर, शाहजहां में आपको चुनना है सॉरी। तो इसका सही ऑप्शन है अकबर, अकबर के समय में इस्लाम को राजकीय धर्म समाप्त कर दिया गया था। चलिए हम लोग चलते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 17वां क्वेश्चन है, अब तक भारतीय रुपया को कितने बार अवमूल्यन कर चुके हैं। अवमूल्यन का अर्थ देखिए समझ लेते हैं, तो मुद्रा का जो मूल्य होता है वो कम करना होता है, जैसे कि डॉलर जो मुकाबले होता है भारत एक डॉलर बराबर एक रुपए के था, तो हम लोगों ने क्या किया था अपने जो रुपए का रेट है वो कम कर दिया था ताकि निवेश करने वाले हमारे देश में निवेश कर सकें। आपके पास चार ऑप्शन है, अब तक कितने बार किया गया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। इसका सही ऑप्शन है अब तक तीन बार किया जा चुका है, पहली बार 1949 में अपने रुपए का रेट घटाया गया था, दूसरी बार 1966 में घटाया गया था, तीसरी बार 1991 में घटाया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है कहाँ पर प्रचलित है। आपके पास चार ऑप्शन है, चीन में, भारत में, इंडोनेशिया में या फिर जापान में। इसका सही बात करेंगे तो आपका सही ऑप्शन है जापान, जापान में सबसे सघन खेती होती है। 19वां ऑप्शन है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक को, भारतीय स्टेट बैंक को, बैंक ऑफ इंडिया को या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को। इसका सही ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक को, आपका बैंकों का बैंक कहा जाता है। अगला हमारा 20वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कहाँ पर है, सारनाथ में या फिर कौशाम्बी या फिर कुशीनगर में या फिर देवीपटान में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये, और इसका सही ऑप्शन कौशाम्बी में, बौद्ध और जैन दोनों का केंद्र था हमारा कौशाम्बी। अगला हमारा 21 नंबर है, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है, पुणे में या फिर अन्नामलाई में या फिर जोधपुर में या फिर नई दिल्ली में। इसका सही ऑप्शन है नई दिल्ली में हमारा प्रथम खुला विश्वविद्यालय था, ओपन यूनिवर्सिटी। 22 नंबर की बात करेंगे, कौटिल या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। आपके पास चार ऑप्शन है, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और अजातशत्रु। इसका सही अर्थ है, आपका सही ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय में को ही हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं, लेकिन इसका सही ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला हमारा 23 नंबर है, अमरनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है। आपके पास चार ऑप्शन है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर असम। इसका सही ऑप्शन है आपका जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा है। अगला हमारे क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, हमारा आज का 24वां प्रश्न है, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं, महानदी को या फिर ब्राह्मणी को या फिर वैतरणी को या फिर दामोदर को। इसका सही ऑप्शन है ब्राह्मणी। देखिए उड़ीसा का शोक, आप लोग बिहार का शोक बताइएगा, काफ़ी बार पूछी जाती है बिहार का शोक कौन सी नदी है। मैं आपको बंगाल का शोक बता देता हूँ, बंगाल का शोक आपके दामोदर नदी होती है, उसी प्रकार आपको बिहार का शोक बताना है, उड़ीसा का शोक आपको मालूम है ब्राह्मणी, आज मालूम चल गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए इसे शोक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नदी जो होती है वो तबाही मचाती है जब इसमें उफान आता है, तो इसलिए अलग अलग राज्यों में वो जो नदियाँ होती हैं उसको शोक कहा जाता है। 25वां क्वेश्चन है,
यदि राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसको देगा? आपके पास चार ऑप्शन है, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपसभापति को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। इसका सही ऑप्शन है उपसभापति को। उपसभापति देगा सभापति को, सभापति देगा उपसभापति को। अगला हमारा 26 नंबर में, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? आपके पास चार ऑप्शन है, रामानंद, शंकराचार्य, विवेकानंद, कबीर। इसका सही ऑप्शन है रामानंद ने दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाए थे। अगला हमारा 27 नंबर में, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? भारत की आकस्मिक नीति पर, भारत पर संचित नीति पर, भारत की लोक लेखा नीति पर, संबंधित राज्य की लोक लेखा नीति पर। इसका सही ऑप्शन है संबंधित राज्य की लोक लेखा नीति पर। अगला हमारा है 28 नंबर, यदि 14 दिन के भीतर अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती तब क्या होगा? दोनों सदनों को का संयुक्त अधिवेशन आवश्यक है, दोनों सदनों की संयुक्त समिति का विचार होगा, संविधान सभा को परिषद द्वारा सुझाए गए संशोधन मानना होगा, वह दोनों सदनों में पारित हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन। देखिए, जो वित्त विधेयक होता है ना, ये लोकसभा का ही होता है, लोकसभा या फिर विधानसभा कह लीजिए, विधानसभा से जो विधान परिषद में जाता है तो उसको 14 दिन के भीतर राज्यपाल को भेजना होता है, यदि वो 14 दिन के भीतर नहीं भेजेगा तो वो अपने आप पारित मान लिया जाता है। अगला हमारा 29 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किसके अध्यक्ष में हुआ था? 1950 में के.एम. मुंशी की, 1955 में बी.जी. खेर की, 1960 में एम.सी. छांगला की, या फिर 1965 में हुमायूं कबीर की। इसका सही ऑप्शन है 1955 में जी.बी. खेर की अध्यक्षता में हमारा 344 अनुच्छेद के तहत राजकीय भाषा का आयोग का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा 30वें क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। आज का हमारा 30वां प्रश्न है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, या दादा भाई नौरोजी थे, या फिर मोतीलाल घोष थे, या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे? इसका सही ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, आपके पत्रकारिता रहते हुए जो आपके जेल गए थे। इसके बाद 31 नंबर की बात करेंगे, किन आपके चार वर्ष दिए गए हैं, इनमें से सबसे तीन वर्षों में सबसे गर्म वर्ष किसे माना गया है? आपके पास चार ऑप्शन, 2006, 2008, 2009, 2010। इसका सही ऑप्शन है 2010 को इन सभी वर्षों में से सबसे गर्म वर्ष माना गया था। अब लगातार देखिए, जितने भी वर्ष आते जाएंगे वो लगातार गर्म होते जाएंगे। पिछला भी हमारा 2017, 2018 ये सभी गर्म वर्षों की श्रेणी में आ गए हैं, तो जो आपका लास्ट का होगा उसको आप लोग लगा सकते हैं। अगला हमारा 32 नंबर में, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? मिनीमता रोग से, कि ब्लैकफुट रोग से, फिर डिलेक्सिया से, या फिर इटाई रोग से? इसका सही ऑप्शन है 32 नंबर की बात करेंगे, डी ऑप्शन सही है, इटाई रोग से, कैडमियम प्रदूषण से होता है। और आपको ऑप्शन में यहाँ पर मिनीमता मिला होगा, मिनीमता आपकी पारा से होता है, पारा, एचजी पारा। और ब्लैकफुट रोग जो होता है आपका, वो आर्सेनिक की कमी से होता है, आर्सेनिक प्रदूषण जो हो जाता है उससे आपका जो पानियों से होता है ये रोग, सभी पानी में जो आपकी आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा हो गई, या फिर पारा की मात्रा, या फिर आपकी कैडमियम की मात्रा ज़्यादा हो गई। अगला हमारा 33 नंबर में, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पर पाया गया? हड़प्पा में, कि मोहनजोदड़ो, रोपड़, या फिर कालीबंगा? इसका सही ऑप्शन है मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया है। 34 नंबर की बात करते हैं, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? काकरेल ने, फिर बीवेक्स में, कि ओटिस ने, कि फ्रैंक विल्टले ने? इसका सही ऑप्शन है ब्रीक्वेक ने किया का हेलीकॉप्टर का आविष्कार। थोड़ा देख लीजिएगा नाम इसका, इसी प्रकार से लिखा गया है। इसके बाद 35 नंबर की बात करते हैं, आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर हैं किस पीढ़ी के हैं? तीसरी पीढ़ी के, चौथी पीढ़ी के, पाँचवीं पीढ़ी के, छठवीं पीढ़ी के? तो इसका सही ऑप्शन है चौथी पीढ़ी के हैं आजकल के कंप्यूटर। हमारा 36 नंबर प्रश्न है, सबसे घना आबाद सार्क देश जो हमारा कौन सा है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश? आप सभी को मालूम है सार्क में कितने देश हैं, 8 देशों का है सार्क संगठन है, उसमें सबसे घनी आबादी जो हमारी है वो आपकी बांग्लादेश की है, कम क्षेत्रफल में ज़्यादा लोग रह रहे हैं, ये आपका डी ऑप्शन सही है। अगला हमारा है 37 नंबर की, राजपूताना निम्नलिखित में से किस राज्यों में से एक ने अकबर की संप्रभुता नहीं स्वीकार की थी? मतलब कि अकबर का राज्य में मिलना नहीं स्वीकार किया था। आपके पास चार ऑप्शन है, आमेर, मेवाड़, मारवाड़, या फिर बीकानेर। आप सभी को मालूम है कि मेवाड़ के राजा कौन थे, आप सभी लोगों को ऑप्शन का जवाब देना है। उन्होंने युद्ध लड़ा गया था काफ़ी अच्छा, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, आप सभी को मालूम है, तो उसमें विजय किसी की नहीं हुई थी और वहाँ पर उनका घोड़ा आपका घायल हो गया था और खुद भी घायल होकर के वो चले गए थे, लेकिन विजय किसी की नहीं हुई थी। आज तक इसमें इतिहास में नहीं लिखा गया कि किसकी विजय हुई थी। आप लोगों को उनका नाम लिखना है, बहुत ही अच्छे राजा थे, आप सभी को मालूम होगा।
38 नंबर की बात करते हैं, मराठों और अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? 38 नंबर का सही ऑप्शन की बात करेंगे तो जहांगीर सही है। देखिए, जहांगीरों ने मनसबदारी जो प्रथा अकबर ने चलाई थी उसमें मराठों और अफगानों को भी शामिल कर लिया था। अगला हमारा 39 नंबर में, लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो आपकी सीटें हैं लोकसभा में कुछ सुरक्षित कर दी गई हैं, उसमें से पिछड़े वर्ग की सीटें नहीं है। ये आपका पूछा गया कौन सी नहीं है, तो ये पिछड़े वर्ग की सीटें नहीं है, उसमें SC और ST की सीटें आपकी सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। आज का हमारा 40 प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? ब्रजभाषा की, अवधी की, खड़ी बोली की, भोजपुरी की? इसका सही ऑप्शन है खड़ी बोली की। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। 41 नंबर है, किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? भूकंप को, ओजोन गैस को, कि ज्वालामुखी की, अभी नदियों को? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन है ज्वालामुखी। देखिए, जब हमारी पृथ्वी गर्म होती है तो उसकी गर्मी को बाहर निकालने के लिए आप देखे होंगे कि आपका जो पहाड़ों से फिर ऊपर की ओर ज्वालामुखी निकलता है और लावा निकलता है, गर्म फूट फूट कर निकलता है, तो ये हमारा प्रकृति का सुरक्षा वाल्व है। जिस प्रकार से आपका सुरक्षा वाल्व होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके कुकर में सुरक्षा वाल्व होता है, जब खतरा होता है तो वो वाल्व फट जाता है, इसी प्रकार से पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व जो है हमारा ज्वालामुखी है। अब आपको देखिए, आप देखे होंगे कि हिमालय पर आपको देखेंगे ज्वालामुखी नहीं है, क्योंकि ज्वालामुखी वहीं पर होते हैं जहां पर पर्वत हो और पर्वत के बगल में आपका थोड़ा से समुद्र का भाग हो। हिमालय पर इसीलिए ज्वालामुखी नहीं है और भूकंप भी कम आते हैं क्योंकि यहां पर आपका समुद्र आसपास नहीं है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इसीलिए कहते हैं कि वहां पर आपका समुद्र भी है और पहाड़ों के आसपास भी वहां पर ज्वालामुखी बहुत आते हैं, भूकंप भी आता है ज्वालामुखी कारण। 42 नंबर की बात करते हैं, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित से किसके कारण होते हैं? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या फिर समताप मंडल? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका सही ऑप्शन है क्षोभ मंडल। सबसे ज़्यादा जो आपका गति होती है, आपके आंधी तूफान आते हैं, आपके क्षोभ मंडल में होते हैं, और आपका जो समताप मंडल होता है यहाँ पर जो हमारे होते हैं, यहाँ पर आपके हेलीकॉप्टर तो आपके क्षोभ मंडल में उड़ सकते हैं, लेकिन जहाज़ आपके सिर्फ समताप मंडल पर उड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो होता है ना, वहाँ पर मौसम की गति का परिवर्तन नहीं होता है, बिल्कुल सुरक्षित वातावरण होता है एक आपका जहाज़ की उड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्षोभ मंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन होते ही रहते हैं। अगला हमारा 43 नंबर में, पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित से किस एक से बना है? आपके पास चार ऑप्शन है, एल्युमिनियम, क्रोमियम, लौह या सिलिकॉन। 43 क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, लौह से बना होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 44 नंबर है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? आपके पास चार ऑप्शन है, सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति या फिर खरीफ और रबी की फसल के समय सरकार को लगान देना। आपके पास चार ऑप्शन है, आप लोग इसमें से सोचिए, इसका सही ऑप्शन है सरकार को लगान देना बंद करना, एक आंदोलन का उद्देश्य था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आज का हमारा 45वां प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? गयासुद्दीन, बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक? इसका सही ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। खालिसा भूमि की बात करेंगे तो अगला हमारा 46 नंबर प्रश्न है, शाहजहां के समय में कौन सी घटना नहीं हुई थी? जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह नहीं हुआ था, कि पुर्तगालियों का दमन नहीं हुआ था, कि खान जहां लोदी का विद्रोह या फिर महावत खान का विद्रोह? इसको सोचिए, इसका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, महावत खान का जो विद्रोह है वो जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। 47 नंबर है, विश्व का 50% जनसंख्या किन अक्षांश के बीच में संकेंद्रित है? 5 डिग्री नॉर्थ से आपका 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री या फिर 20 साउथ 40 साउथ। देखिए, आपका अक्षांश होता है इस प्रकार से, ये देख ही सकते हैं, बीच की रेखा जो होती है आपकी विषुवत रेखा, इसके बाद आपने देखा होगा कर्क रेखा 23.5 अंश से गुजरती है और मकर रेखा नीचे 3.5 अंश से गुजरती है। आप देखेंगे कि 20 से 40 ये आपका बी ऑप्शन देखेंगे, ये वाला बी ऑप्शन, 20 से 40 ऊपर की ओर, यहाँ पर 20 से 40 के बीच में बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है। उसका कारण ये है कि सूर्य की जो रेखा है वो तिरछी पड़ती है, तो यहाँ पर कम गर्मी और कम आपकी ठंडी पड़ती है, तो इसी के बीच में ज़्यादातर जनसंख्या आपकी रहती है। 48 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं किस पर? संपत्ति कर पर, सरकारी अनुदान पर या फिर स्थानीय कर पर या फिर विशेष कर पर? इसका सही ऑप्शन की बात करेंगे तो बी ऑप्शन सही है, सरकारी अनुदान पर पंचायती राज संस्था रहती हैं। हमारा 49 प्रश्न है आज का, तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है? 49 नंबर की बात करेंगे, तीसरा स्थान है, पहले नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर पर आपका भारत का स्थान आता है तंबाकू उत्पादन में।
अगला हमारा 50वां प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न है। आप लोग गिन लीजिएगा आप लोगों ने कितने प्रश्न सही कर पाए हैं। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु का सीमा होनी चाहिए, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? इसका सही ऑप्शन है 30 वर्ष। देखिए आप लोग एक क्रम याद कर लीजिए, राष्ट्रपति के लिए ऊपर से याद कर लीजिए, राष्ट्रपति के लिए 35 होती है, राज्यसभा का सदस्य के लिए 30 होती है और लोकसभा के सदस्य के लिए 25 होती है। इसी प्रकार से आप लोग राज्य में आ जाइए, राज्य में क्या होगा आपका, राज्यपाल की उम्र 35 वर्ष होती है, राज्यसभा की उम्र 30 वर्ष होती है, सॉरी राज्यपाल के बाद विधान परिषद की उम्र 30 साल होती है और आपकी विधानसभा के सदस्य की उम्र 25 साल होती है और 21 साल जो एज होती है आपकी ग्राम प्रधान की एज होती है। ये सभी मिनिमम एज होती हैं, आप अधिक बन सकते हैं लेकिन इससे कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। यदि आप लोग 35 से भी 40 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं या फिर इससे अधिक से सही कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन 35 से 40 अगर आप सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी दिशा में जा रही है। देखिए सरकारी कॉलेज प्राप्त करने के लिए कम से आपको 230 से लेकर के 250 नंबर तक अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। देखिए जो टॉप करता है लड़का 335 नंबर में टॉप कर जाता है, आपको सभी को मालूम है 400 पूर्णांक में से 335 में टॉप कर जाते हैं लड़के। तो आपको आपको सरकारी कॉलेज के लिए कम से कम 250 अपने आपको सेफ समझ सकते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र जो आपका होता है आप देख सकते हैं, 20 मिनट में मैंने 50 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं आपका। इसी प्रकार से 20 मिनट में आप हिंदी के 50 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। आपको कितने घंटे का समय मिलता है, आपको 3 घंटे का समय मिलता है, यहाँ पर आपका 1 घंटे में पेपर पूरा हल हो जाएगा। तो पहले प्रश्न पत्र को आप लोग आराम से करिएगा, स्कोरिंग सब्जेक्ट है इसको स्कोर कर लीजिएगा। शाम के पेपर में आपको रीजनिंग और मैथ मिलेगा और विज्ञान वर्ग वालों को, और शाम को कला वर्ग वालों को अपना रीजनिंग तो सबको करनी है, कला वर्ग वाले अपने कला करेंगे। तो शाम को जो आपका होता है विज्ञान वर्ग वालों को थोड़ा तेज़ी से काम करना पड़ेगा, सुबह आपका समय बचेगा, लेकिन वो सुबह का समय जो होता है वो शाम को ऐड नहीं होता है, वो सुबह का समय आपको सुबह ही मिलता है, बाद को आपको शाम को 3 घंटे का अलग समय मिलता है। तो स्कोर जहां पर हो वहां पर स्कोर करिए, गलती मत करिएगा, 1/3 के नेगेटिव मार्किंग है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। इसी तरह के और भी प्रैक्टिस सेट चाह रहे हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में सकिएगा, हम आपको जितने आप कहेंगे उतने आपको एग्जाम तक देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आप लोग स्कोर कार्ड जरूर लिखिएगा अपने कितने आप लोगों ने सही कर पाए हैं। धन्यवाद।